राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के तेवर बीजेपी को बैकफुट पर ले आए हैं। दरअसल बीजेपी आला कमान राजस्थान विधानसभा चुनाव में गुजरात और एमपी की तरह ही प्रयोग करना चाहता है। आला कमान की मंशा बड़े स्तर पर बीजेपी विधायकों के टिकट काटने और सांसदों को टिकट देने की है, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है। चर्चा है कि वसुंधरा राजे के बगावती तेवरों के चलते बीजेपी आला कमान बैकफुट पर आ गया है। यही वजह है कि उम्मीदवारों की सूची फाइनल नहीं हो पा रही है। शनिवार को दिल्ली में वसुंधरा राजे, प्रहलाद जोशी और जेपी नड्डा के बीच टिकटों को लेकर मंत्रणा हुई, लेकिन फाइनल सूची पर मुहर नहीं लग पाई। वसुंधरा राजे के बगावती तेवर के चलते पार्टी आला कमान गुजरात और एमपी वाले प्रयोग से फिलहाल झिझक रहा है। चर्चा है कि वसुंधरा राजे के तेवरों को देखते हुए बीजेपी आला कमान बैकफुट पर आ गया। पीएम मोदी ने जयपुर में हुई जनसभा में वसुंधरा राजे का नाम नहीं लिया। चर्चा है कि बीजेपी आला कमान उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पसंद नापसंद के चक्कर में पीएम मोदी हिमाचल और कर्नाटक की तरह राजस्थान न गवा दे, क्योंकि एक सर्वे में कांग्रेस ने 2 महीने की जबरदस्त वापसी की है। उल्लेखनीय है कि बीजेपी ने गुजरात में नो रिपीट के फॉर्मूले से बब्बर जीत हासिल की थी, जबकि पड़ोसी राज्य में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर समेत कई सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट थमा दिया है। बीजेपी आला कमान फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के सामने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी ने नए प्रयोग किए, लेकिन सफल नहीं हुए। सियासी जानकारों का कहना है राजस्थान की स्थिति अलग है, यहाँ राठ परिवार से जुड़े लोगों की अपील का असर होता है। वसुंधरा राजे की अपील बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है, इसीलिए पार्टी आला कमान वसुंधरा राजे को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।